हेलो फ्रेंड्स, गेटीजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने एनालॉग एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं इसके, और ये ट्रिक सारे अप्लीकेबल है कि नहीं उसके लिए मैं रिसेंटली इंस्ट्रूमेंटेशन का 2019 का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे, गेन निकालो, आर इन निकालो, आर आउट निकालो, ठीक है ना। सो और बीजेटी में, बीजेटी और मॉस्फेट को हम लोग एक ही जैसा ट्रीट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटे चीजों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। हम लोगों को बस क्वेश्चन सॉल्व करना है कितना फास्ट और कैसे करें, ठीक है। सो और रैंक लानी है ना। सो इसका हम लोग क्या करेंगे, गेन निकालना है। गेन का क्या फॉर्मूला है, आउटपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा है डिवाइड बाय इनपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा है, वो ओनली रेसिस्टेंस देखेंगे, नो पाई मॉडल, नथिंग। ओके, ये देखिए ऐसा होगा, हम लोग इसको क्या रिप्लेस करेंगे, 1 by GM parallel R by BJT में, this is in BJT, और 1 by GM only in MOSFET, okay? ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं बता दिया, ठीक है। और इसका मैं पाई मॉडल से भी बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा है, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आप लोगों को रैंक लाते हैं। सो वीडियो लास्ट तक देखिए, ये क्या है, वी आर बाय मीन, राइट। अब हम लोग क्या बोले थे लास्ट वीडियो में, मैं क्या बोला था, सर्किट को रिड्यूस करेंगे, इसको भी रेसिस्टेंस, इसको भी रेसिस्टेंस, इसको भी रेसिस्टेंस, इसको भी रेसिस्टेंस। अगर सारा आपको रेसिस्टेंस दिखने लगे तो आप तो बोल सकते हैं ना, दो रेसिस्टेंस सीरीज में, दो रेसिस्टेंस पैरेलल, राइट। तो वो रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है, हम लोग यहां देखेंगे, ये सेम है, ये सेम है। क्वेश्चन दो पैराग्राफ का दिया हुआ था, एमएन है, ये पी है, मैं बस जो डाटा है उस पर फोकस कर रहा हूँ, क्या लिखा है उसने, ठीक है। ये क्या है, बबल्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये पी टाइप मॉस्फेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय जीएम पी कर सकते हैं ना, पी टाइप मॉस्फेट है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। 1 बाय इसको भी एक रेसिस्टेंस, इसको भी एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस हो गया, दो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, दोनों रेसिस्टेंस आपको पैरेलल सीरीज कर सकते हैं ना, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। इसको मैंने रख दिया क्योंकि इसको इसपे हम लोग का ट्रिक भरी है, ये एक ट्रांजिस्टर रहेगा ना, एक ट्रांजिस्टर एक मॉस्फेट, तो हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं किधर से जाए किधर से, ठीक है। तो मैं यहां पे Vx दे दिया, राइट, वी आउट बाय Vx मैं कर सकता हूं, वी आउट बाय Vx, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा हुआ है, ओनली वन रेसिस्टेंस, दैट इज 1 बाय GMP, इनपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा है। जब भी गेन देखेंगे ना, हम लोग ग्राउंड से Vin की ओर जाएंगे, राइट, ग्राउंड से Vin, और Rin देखेंगे ना इनपुट रेसिस्टेंस, तो Vin टू ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग ग्राउंड टू Vx जाएंगे, तो कितना ये एक रेजिस्टेंस आएगा, पिछले वीडियो में मैं बताया था 1 by GM, ये एन टाइप है इसलिए GM, राइट। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं Vx by Vin, अब किसका निकालना, और वन थिंग, आउटपुट हम यहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, दैट इज ये क्या है आपका, ड्रेन है, सोर्स है, ठीक है। बीजेटी में क्या है, ये कलेक्टर, बेस, इमीटर। तो जब भी कॉमन इमीटर होगा या कॉमन सोर्स होगा तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया मैग्नीट्यूड, मैं यहां गलत करता था, मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, ओनली पूछा गेन क्या होगा तो माइनस साइन हम लोग कब लगाएंगे, ओनली जब इमीटर या सोर्स ग्राउंडेड है, तो यहां सोर्स ग्राउंडेड है इसके लिए माइनस आ गया, राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, Vx by Vin निकाल सकते हैं, Vx by Vin, करेक्ट, Vx by Vin, ये क्या आएगा, ये Vx, अब इसको हटा दीजिए, ये मिटा दीजिए, इसका तो हम लोग काम कर लिया ना, ये ट्रांजिस्टर का, ये सब मिट गया, ठीक है। यहां Vx है और रिड्यूस कर दिए हम लोग, Vx कितना रेजिस्टेंस जुटा है, 1 by GMP डिवाइड बाई इनपुट में हम लोग ग्राउंड से Vin जाएंगे, 1 by GMP, और GM सबका सेम दे रखा है, अलग अलग रखता तो GM1 GM2 लेते हैं, तो ये क्या है माइनस वन। अब हम लोग ये दोनों को इक्वेशन, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, Vx से मतलब नहीं, हम लोगों को Vr by Vin, सो इक्वेशन 1 into 2, ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, GM1 by GM, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोगों को, ये क्या ऑप्शन आएगा, सी, सी इज द करेक्ट, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग यहां से देखेंगे,
यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ तो यहाँ से कुछ नहीं है, ऐसे ही देखेंगे, गेस करना चाहेंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ एमिटर ग्राउंडेड है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो होगा निगेटिव आएगा, तो या तो ए नहीं तो बी होगा, है ना। लेकिन वो नहीं करना है, हम लोग को एक एक ट्रांजिस्टर को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके हम लोग सिंपल लाएंगे तो इजी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली माइनस ही होता है, लेकिन अगर जीएम वन जीएम टू जीएम थ्री जीएम फोर अलग अलग दिया जाता तो फिर माइनस हो सकता था, ठीक है ना। सो ये हम लोग का ट्रिक यहाँ पे वैल्यू है, हमेशा वैल्यू है, बस आप लोग वीडियो देख